हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इजी लाइफ विद सौम्या। और आज की रेसिपी है चिकन पेपर ड्राई। और ये चिकन पेपर ड्राई रोटी के साथ या दाल चावल के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये चिकन पेपर ड्राई बनाने के लिए आज मैं सिंपल एंड क्विक वाले मेथड यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले हमें चिकन को बॉईल करना होगा, तो मैंने यहाँ 1 किलो चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया है और एक कुकर में डाल लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक 1/2 चम्मच। नमक देख के डालेंगे, एकदम से ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे। और मैंने यहाँ डाला है हल्दी 1/2 टीस्पून और डाला है पानी 1/4 कप। पानी भी देख के डालेंगे, एकदम से ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि जब चिकन को हम बॉईल करेंगे ना तो चिकन में से खुद का पानी निकलेगा। अभी पानी डालने के बाद एक बार अच्छे से मिला लेंगे, ताकि जो नमक हल्दी डाला है तो सारे चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाए। एक बार अच्छे से मिलाने के बाद कुकर का ढक्कन लगा लेंगे और फिर इसमें 1 सीटी आने देंगे। 1 सीटी काफ़ी है। स्टीम पूरा निकलने के बाद मैंने कुकर का ढक्कन निकाला है। देखिए चिकन अच्छे से बॉईल हो चुका है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। अब इसे अलग रखते हैं। अब एक कढ़ाई में 3 टेबलस्पून ऑयल को गरम किया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 प्याज कटा हुआ। 2 बड़े प्याज लिए थे मैंने। अब प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज को पूरा ब्राउन नहीं करना है हमें, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए तब तक फ्राई करेंगे। ये फ्राई हो चुका। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च 5 से 6 कटा हुआ और जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून। इसे भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे। अब ये फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ चिकन के पीसेस। चिकन के पीसेस में जो पानी थे ना वो निकाल लिया है, सिर्फ चिकन ही डाल रही हूँ, पानी को मैं बाद में डालूंगी। सारे चिकन डाल लिए हैं। अब चिकन को प्याज के साथ एक बार अच्छे से भूनेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ करी पत्ता। करी पत्ता डालने से बहुत अच्छे से फ्लेवर आता है। और डाला है सोया सॉस 1 टीस्पून और डाला है थोड़ा सा नमक। नमक देख के डालिएगा, क्योंकि चिकन जब बॉईल किया था तब भी डाला था हमने। और डाला है हल्दी थोड़ा सा और डालेंगे गरम मसाला 1/2 टीस्पून। अब इन सबको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन वाला पानी जो हमने अलग से निकाल के रखा था। चिकन वाले पानी को भी एकदम से ज़्यादा नहीं डालिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1/2 कप नहीं तो 3/4 डालिएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पेपर पाउडर। पेपर पाउडर आप जी भर के डाल सकते हैं, क्योंकि इस रेसिपी का नाम ही चिकन पेपर ड्राई है। तो मैक्सिमम आप जितना तीखा खा सकते हैं उतना पेपर पाउडर डाल सकते हैं। अब इसे हाई टू मीडियम फ्लेम में 2 मिनट के लिए पकाएंगे। लगातार मिक्स करते हुए पकाएं। देखिए पानी पूरा ड्राई हो चुका है। अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। मैं इसमें लेमन जूस वगैरह कुछ नहीं डाल रही, क्योंकि हमने सोया सॉस डाला था ना, तो उसी का अलग सा फ्लेवर होता है। मैंने इसमें अभी गैस ऑफ करके धनिया पत्ता डाला है। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और तीखी तीखी चिकन पेपर ड्राई बनके तैयार है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।